नदामत से झुका है दिल, इलाही तू रहम कर दे मेरे इन इल्तिजाओं पे, खुदा अपना करम कर दे। तुम? हाँ मैं। मैं कहीं जा रहा हूँ। फिर साथ चलते हैं ना। कैसे आना हुआ? सुबह सुबह तुम्हारा ख्याल आ गया था, और फिर आंटी के जाने के बाद तुम अकेले भी तो हो गए, सोचा तुमसे मिल लूं। मिलकर आंटी को याद कर लेंगे तो उनकी रूह को खुशी मिलेगी। जाने वालों को इसाले सवाब की जरूरत होती है, और वो कहीं बैठ कर भी उन तक पहुँचाया जा सकता है। तुमने खाम खाने की तकलीफ की। तुम तो बहुत रूर हो गए हो यार। और मैं तुम्हें ठीठ भी नहीं कह सकता। हेलो, आप शिजरत को लेकर पहुंचे, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अच्छा, मैं निकल रहा हूं। अरे यार, तुम तो वाकई बहुत जल्दी में हो। वैसे इतना तैयार होकर जा कहां रहे हो? सास के साथ मिलकर कोई चक्कर चला रहे हो? ये तो वो वाली बात हो गई, कबाब में अम्मी, मेरा मतलब है कबाब में हड्डी। नहीं प्लीज। रिलैक्स, नाराज क्यों हो जाते हो? अब देखो ना, तुम्हारी अम्मी तो रही नहीं, सास भी तो माँ की जगह ही होती है ना। सुनो, कहाँ गई हैं दोनों? मैं पूछ रहा हूं, ये माँ बेटी मुंह और सर डाम कर कहाँ गए? बच्चा गिराने। क्या? तुमने यहाँ बात कर ली किसी से? क्या बात? यही कि हम क्यों आए हैं? नहीं, कर लेंगे। चलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? बच्चा बहुत मुश्किलों से मिलता है ना बाप। तो और किसने कहा बच्चा मुश्किल से मिलता है? दुनिया की आबादी इतनी ऐसी नहीं हो गई है। मुश्किल उनको लगता है जिनको मिलते नहीं है, वरना तो बच्चे ही बच्चे। ठीक कहा माजिया ने, अगर कोई चीज सामने ना हो उसे झुटलाना आसान होता है। हम भी कहते हैं क्योंकि बच्चा बच्चा था ही नहीं, ऐसे दिमाग घूम गया था डॉक्टर का। सही है, बिल्कुल सही। सुमैया का मोबाइल भी यहीं घर पर है, कहाँ चली गई है? साहब, बेसमेंट पर भी देखकर आई, वहां पर भी नहीं है। ऊपर जाके देख। साहब, ऊपर भी चेक कर लिया, वहां पर भी नहीं है। अरे दोबारा से गौर से सही तरह जाके देखे ना, जाएं जल्दी जाएं। उबैद, क्या हो गया है? इतनी हवाइयां क्यों उड़ रही हैं तुम्हारे चेहरे पर? ओ, सुमैया घर पर नहीं है, उसका मोबाइल भी यहीं है, गाड़ी भी घर पर है। मेरे खुदा, पता नहीं और कौन सा नया गुल खिलाएगी। सारा तुम्हारा कसूर। कितनी मर्तबा तुम्हें समझाया है, इसे किसी डॉक्टर को दिखाओ या कमरे में बंद रखा करो, या और कुछ नहीं तो पागल खाने ही छोड़कर आ जाओ। मगर तुम अजी, प्लीज। क्या प्लीज?
फोन करो सनान को, गई होगी अपने भाई के पास। उसको भी फोन मिलाया था, सनान फोन नहीं उठा रहा है। दोबारा करो। उबैद ये देखो इसे जरा। यस पागल लड़की। सुभिया तुम इस तरह यहां बैठी क्या कर रही हो? ये देखो इनमें भी फूल निकल आए, और वो कीकर, कीकर से भी कीकर निकल आया। हाँ तो मैं भी ये फूल और कीकर होती, मैं भी बढ़ती पनपती फूलती, एक से दो, दो से चार। मेरी प्यारी भावज मोहतरमा, ये तो फिर सांस लेते जीते जागते पौधे। आजकल तो बाजार में भी एक बड़े पर्स के साथ छोटा पर्स मिलता है, लेकिन हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमारे भाई के नसीब में लिखी थी आप बेफैज औरत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है मामू, कैसे थे तुम मानी? ये तुम सुबह से घर से निकली भी अब पहुंची हो मामू के घर पे, कहाँ थी तुम? थोड़ा देर हो गई, एक नाराज दोस्त मिल गई थी, उसे मनाने में देर लगी। कौन दोस्त? आप नहीं जानती, फिर कभी बताऊंगी। सुमैया चलो अंदर चलो, आजा चलो। उठ जाओ, इससे ज्यादा क्या नखरे उठाएगा वो तुम्हारे। आज चलो। ओके एवरीथिंग इज फाइन, अब आपने करना ये है कि आपको वॉक करनी है, ठीक है? इसके अलावा आपने कपड़े ढीले ढाले पहनने, और हील बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है? अब आपने नेक्स्ट मंथ की 21 को आना है, ओके? कोई सवाल आपके जहन में? जी वो दरअसल हम ये बच्चा नहीं चाहते, तो आप बच्चा नहीं चाहते, लेकिन अब तो माशाल्लाह से हो गया, अब क्या कर सकते हैं हम? अब आप जा सकते हैं। नेक्स्ट अस्तगफरुल्लाह, आप लोग पागल तो नहीं हो गए हैं? हाँ खुदा आपको इतनी बड़ी नेमत से नवाज रहा है, और आप है कि नाशुक्री कर रहे हैं। इबरत पकड़े उन लोगों से जो औलाद को तरसते हैं, क्या क्या कुछ नहीं कर जाते हैं लोग अपनी गोद संवारने के लिए, दूसरों की कोख तक उजाड़ देते हैं, और तुम लोग अपना ही बच्चा जाया कराने चले हो। उफ मेरे खुदा, मैं क्या इस दिन के लिए डॉक्टर बनी थी कि लोगों के बच्चे जाया करूंगी? आई एम रियली सॉरी, दरअसल कोई दरअसल नहीं, आउट। देखिए मैं फिर आपसे सॉरी कह रहा हूँ, हमारा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, हमारा ये बेबी बिल्कुल प्लान्ड नहीं था, और कुछ ऐसे में मेरी बीवी के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं, और ये सब कुछ अचानक हो गया, इन्होंने बहुत स्ट्रेस ले लिया इस बात का, इसलिए। ओ किस चीज का एग्जाम? CSS। ओ वेरी गुड, कब हैं पेपर्स? दो हफ्ते बाद। तो परेशानी किस बात की? ये तुम आजकल की लड़कियां प्रेगनेंसी को बीमारी क्यों समझ लेती हो? हैं प्रेगनेंसी का ये मतलब थोड़ा ही है कि औरत बिस्तर पे पड़ जाए, और जहाँ तक एग्जाम्स का ताल्लुक है तो प्रेगनेंसी में तो औरत की सेंसेस और ज्यादा शार्प हो जाते हैं। खबरदार अगर तुमने खुद को बीमार या लाचार समझा तो। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करनी है, दूध और फ्रूट ज्यादा लेना है, ठीक है?
डॉक्टर के पास आए थे इलाज करवाने, ना कि वकील के पास मशवरा लेने। चलो सनान, हम किसी और डॉक्टर के पास चलते हैं। आप लोग किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो ये बेबी जाया नहीं कर सकता। ये मेरा भी कई साल का तजुर्बा है। इस बेबी को जाया करने में आपकी जान को खतरा है। इतना बड़ा इम्तहान देने जा रही हो, अपनी जान का रिस्क क्यों लेती हो? ये लीजिए दवाइयाँ, ये इन्हें प्रॉपर यूज कराइएगा। लगता है कि इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। थैंक यू। क्या कहे डॉक्टर? क्या कहा है डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा है शिजरत की जान को खतरा हो सकता है। मैं भी आता हूं। तुम कहां जा रहे? मेडिसिन्स लेने। मेडिसिन? शिजरत, मैं तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकता। यानी? डॉक्टर ने मना कर दिया और आप मां बेटी मुंह उठाकर घर वापस आ गए। शहर के बाकी डॉक्टर को मौत पड़ गई थी क्या? तीन चार के पास गए थे। नहीं मां, मना तो करना था उन्होंने। नाजायज कामों को अंजाम देने के लिए नाजायज रास्ते इस्तेमाल करने पड़ते। किसी ने बताया नहीं आपको? नाजायज मत कहो आफाक। आप बीच में नहीं बोलेंगे अब्बू। ये काम मैं अपने तरीके से ही हल करूंगा। डॉक्टर के खदशात और इनकार बताकर आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। दुनिया का हर काम पैसे से हो जाता है, बड़े से बड़ा भी। ये तो फिर एक डॉक्टर ने जान का खतरा बताया। वो तो दोनों सूरतों में, अगर डॉक्टर के हाथों ना मारी गई तो मैंने कसम खाई ली है। भाई पता नहीं, कुछ खाया आपने?
घरने का पूछती, वही चली गई। हाँ चली गई, मगर मेरी वजह से। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? खबर कौन वजह बना? कहाँ थे सारा दिन? और तुम्हारे चेहरे पे ये गर्द कैसी? अगर अम्मी तुम्हें इस हालत में देखती तो इस गर्द को साफ कर सकती थी, मगर उन्हें मौका नहीं। कैसी बातें कर रही हो सनान? शिजरत से मिले, उसने मुझसे अम्मी का अफसोस नहीं किया, क्या उसे दुख नहीं हुआ? बहुत दुखी है वो। उसे पता चल गया होगा ना अपनी मां की मौत की जिम्मेदार मैं हूं, कितना गिर गई होगी मैं उसकी नजरों से, क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में, कितनी इज्जत करती थी वो मेरी। हमारी एक गलती हमें हमारे मकाम से कैसे गिरा देती। इतनी बड़ी गलती, की दवा बोल आफाक।
हटो पीछे। आप अभी बचा लेंगे मैं दोबारा मौका बना लूंगा, नहीं बचेगी मेरे हाथों से। इसका कसूर क्या है? बदला लेना चाहती है हमसे, हमारे खानदान की जिल्लत करवाना चाहती है, ये चाहती है लोग हंसे हम पर। ऐसा कुछ नहीं है आफाक, मैं क्यों चाहूंगी ऐसा, मेरा भी तो खानदान है। ये तुम्हारा खानदान नहीं है, अभी 3 अर्ब बोल के तुम्हारा खानदान बदल दूंगा मैं। बोलू बोलू आफाक? नहीं। खत्म हो गया हूं मैं, कोई नाम बाकी नहीं रहा, बस एक सरगोशी बन गया हूं मैं, एक कान से दूसरे कान। ये मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं मैं? अच्छा खासा मरने वाला था, वो भी नहीं होने दिया खामा का बचा। मुझे खामखा रोक लेगा, गलती को भुगतना तो पड़ता है अपनी जान पर। जिंदगी इतनी सस्ती चीज नहीं है शिजरू, कि उसे यूं दांव पे लगा दिया जाए। और फिर यहां तो दो दो जाने। इस दूसरी जिंदगी ने तो जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। दुनिया नाराज हो गई, माफ करने को तैयार नहीं। छोड़ दें क्या दुनिया को? मैं खुद से खफा हो गई। क्या किया ये मैंने, हो क्या गया है मुझसे? मेरे ख्वाब, मेरा मुस्तकबिल, मेरी एक लापरवाही से सब मलिया मेट हो गया। डॉक्टर के पास चले? नहीं जा रहा मुझे। ए बेटा, जाना चाहिए हमें। मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? बेटा फोन फोन आ रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शिजरत, मैं अफान बोल रहा हूँ। जी जी, पहचान लिया मैंने। हाँ, दैट्स गुड। 2-3 रोज से तुम्हें कॉल करना चाह रहा था लेकिन वक्त नहीं मिला। आर यू फ्री? हाँ जी जी जी। कोई खास बात नहीं, बस जानना चाह रहा था कि तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है। तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं तुम्हारे एग्जाम्स की वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने अपने पूरे सर्कल में सबको बता दिया है कि मेरी छोटी भाभी सीएसएस कर रही है।
शिजरत, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? Are you there? I am sorry, हाँ जी, बिल्कुल मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि ये बहुत फखर की बात है कि तुम CSS officer बनने जा रही हो, और जाहिर है ऐसी बात लोगों से छुपाई तो जा नहीं सकती, बताना पड़ता है। आइए बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसे बुलाएं आप। किसे? शिजरत को? हाँ हाँ, उसी को। नाम लेकर मैं अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहती। अरे, मैंने तो आप लोगों को शरीफ और इज्जतदार समझकर अपनी बेटियां पढ़ने के लिए भेजी थी। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर बस आप मेरी फीस वापस करें। अच्छा जी, ठीक है अफान भाई जी, मैं बाद में बात करूंगी। तुम यहां क्यों आ गई? जाओ अंदर। जाते जाते एक नसीहत करूंगी आप लोगों को कि जो घर के बाहर इतना बड़ा बोर्ड ट्यूशन सेंटर का लगाया ना, उसे उतार कर फेंक दें। अब यहां कोई नहीं आएगा। आप फिक्र मत करें, मुझे अब किसी को पढ़ाना भी नहीं, मेरे खुद के इम्तिहान हो गए। खुदा हाफिज। फिर से आ गए उस्ताद, अब किस चक्कर में हो? हम जिंदगी भर नागानियों से खौफ खाते हैं, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, लेकिन जब वो खदशे सच हो जाते हैं तब वो फैसले की घड़ी होती है कि अब क्या करना है। डूबने वाले शख्स की मदद भी उस वक्त तक की जाती है जब तक अपने पांव जमे हों। तो क्या फिर डूबने वाले को खुद को बचाने की कोशिश तक कर देनी चाहिए? नहीं, जब तक सांस होती है, आस होती है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है शिशुत्रुदुर। तुम्हें खुद ही अपनी मदद करनी होगी। इस वक्त मेरा मतलब है कि आफाक घर पे नहीं है, तुम जाओ वापस। अस्सलाम वालेकुम, वो मैं बस ये जी। सिनार बेटा, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें नहीं आना चाहिए था, वापस जाओ। मैं ये चीजें देने के लिए आया था शिजरत के लिए। सब क्या है बेटा? ये कुछ डॉक्टर्स के विजिट लिए उसे जरूरत पड़ सकती है। डॉक्टर्स ने कहा बहुत वीक है,
उसे अच्छी डाइट की जरूरत है, उसका ख्याल रखिएगा। मैं बस यही देने आया था, मैं चलता हूँ। तो मैं आफाक, आफाक भी तुमने समझ क्या रखा है? मैं आफाक भी मेरी बात सुन। क्या बात सुनूं मैं तेरी? तेरी औकात है कि तेरी बात सुनी जाए? बोल बोल। आफाक भाई छोड़ दे इसे। इजाजत से आई हो तुम यहाँ? मैंने मना नहीं किया था, हिम्मत कैसे भी तुम? आफाक भाई शिज्जत को छोड़ दे। छोड़ दिया था इसीलिए यह दिन देखना पड़ रहा है। उस दिन तो बच गया था, आज नहीं बचेगा। आफाक भाई छोड़ दे। तूने हाथ पे कैसे लगा? हाथ पे कैसे लगा तूने? नहीं बेटा नहीं, तुम मत मारना, खुदा का वास्ता मत मारना तुम। नहीं मत रोके ऐसे, मार मुझे, मार 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 मारना। मैं तुम क्या मारेगा तुझे मैं बता दूँ? चल मुझे मारेगा तू? है मार मुझे, मार मार मुझे, मार। शिशिरत बेटा ठीक हो तुम? तुम ठीक हो? जाके आफाक भाई को रोके, वो मार देगा सिद्धान को। जाए आप दोबारा, अगर यहां नजर आया ना तो जान ले लूंगा, तेरी कसम खा रहा हूं मैं। आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा क्योंकि मेरी बीवी है यहां। बीवी? बहुत फायदा उठाया इस लफ्ज का तूने। बीवी है ना तेरी? चल चल मेरे साथ, चल चल। बीवी है ना तेरी? लेके जाए इसे अभी और इसी वक्त। सिनान कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? मत रोके फुप्पो, रुखसती हो रही है आपकी बेटी की, होने दे। भाभी ऐसे रुखसती होती है? चलो मेरे साथ, चलो शिजरत। नहीं अम्मी।